Welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing very well. Welcome back to another vlog. Welcome back to another day. And उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. हमारे घर में भी एक खैर खैरियत है, शुक्र अल्लाह का. अहद जो है वो रात को सो गया था और सो के उठा जब तो फिर जो है सुबह उठ गया था और उठते साथ ही वो सबसे पहले मुझे उठाता है, शोर मचाता है, मेकअप वेकअप करता है, फ्रीडर बनाओ, दूध बनाओ. ये बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह उठ के दूध बनाना पड़ता है, पैंपर चेंज करना पड़ता है. पता नहीं कब आहद थोड़ा सा बड़ा होगा. और बड़ा होने से याद आया कि आहद अब माशाल्लाह जो है 2.5 साल का हो गया है, तो अब उसके स्कूल का भी कुछ अरेंज करेंगे, देखेंगे जो सोच रहे हैं. सो बे फॉर्म वगैरह भी बनाना है उसका, तो देखें कौन से स्कूल में उसको करवाते हैं और कहाँ उसको एडमिशन मिलता है. आजकल तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया. फिलहाल हम सो के उठ चुके हैं. अभी मैं यहाँ पर झाड़ू ले आई हूँ, सफाई वगैरह करूंगी और पंखा बंद करूंगी पहले और फिर सफाई करूंगी और उसके बाद रूम साफ करूंगी, नमाज पढ़ूंगी और अपने रूटीन के काम करूंगी. कपड़े शपड़े ये मैंने कल धो लिए थे, मशीन वगैरह लगा ली थी. चादर भी बेड की कल ही चेंज की है, तो मशीन लगा ली थी. तो अब कपड़े दायरे सूखे हैं, आधे कपड़े बाहर अभी भी लटके हुए हैं, वो उतारे नहीं है मैंने. अरे लटके में भी अरे कपड़े ये भी उतारे नहीं है, ये सूख गए हुए थे लेकिन ये रात को उतारे थे. ये बड़े बड़े थे ना, तो आहत के मैंने इधर डाल दिए थे, बाहर जगह खत्म हो गई थी और बड़े बड़े मैंने बाहर डाल दिए थे. तो चलो अपना काम करते हैं रूटीन का, उसके बाद देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना. अब्दुल्ला को एग्री करेंगे कि जाते हैं आज नादरा के ऑफिस आहत का बेफॉर्म बनवाने के लिए, अगर क्योंकि फिर आते आते भी मुझे लगता है 10 से 15 दिन तो लगेंगे उसमें. सो ठीक है, और फिर किसी स्कूल का भी पता करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपना काम करेंगे और देखेंगे कि अब्दुल्ला एग्री होते हैं या नहीं होते. ठीक है चलो काम करते हैं, लेट्स गो होते हैं. चलते कि रूम की तो सफाई पूरी हो गई है, रूम तो क्लीन हो गया, मैंने क्लीन कर दिया सारा रूम. अभी आहत के फीडर्स हैं जो उसने पिए थे, ये वॉश करूंगी और देखेंगे. ये पैकेट नहीं फेंका क्योंकि इसमें बिस्किट है, जिन्होंने रात के बिस्किट खाए हुए पैकेट नहीं फेंका. तो चलो जी, मैंने सफाई कर ली थी और रूम को साफ कर लिया था, इतना क्लीन किया था मैंने रूम. और ये देखो ये नजर आ रहा है, और ये मेरा टिंडू अंदर आ गया, और टिंडू अंदर आके जो है ना इसने ये बिखेर दिया. जी से हाय हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो. अंदर आया, मैंने इसे दूध बना के दिया, ये इसने मेरी पोनी नीचे फेंक दिया ये और वो. और फिर मैं वॉशरूम धोया था, कमरा क्लीन किया था, सब कुछ क्लीनिंगनेस का काम किया था, डीप क्लीनिंग की थी आज मैंने. डीप क्लीनिंग इन सेंस ये चीजें तो बिखरी हुई है अभी, लेकिन डिस्टिंग वगैरह और ये सब किया था. तो मैंने सोचा कि वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन कर लूं, तो पानी कपड़ों पे छींटे और पानी और सब पड़ गया था, तो मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ. फिर गीली तो हो गई थी तो फिर नहा ही लेते हो, कपड़े सारे गीले होते थे मेरे. अब ये जो है ये भी अंदर आ गया, नमाज नमूज पढ़ लिया मैंने, ये अंदर आ गया. पॉटी किया आपने? लेट्स कम वॉटी वॉश. ये देखो I love you, donkey. I love you, happy donkey. I love you, happy. I love you, donkey. ये लो आप एलिफेंट करो, हैप्पी करो एलिफेंट को. कल हम ये लेके आए थे, आहद के कलर्स लेके आए थे, ये ब्लॉक्स लेके आए थे. ये ब्लॉक्स पता नहीं किधर है, समझ नहीं आ रही. एक दिन में आहद ने घुमा दिए ये ब्लॉक्स, इसके सिर्फ ये एलिफेंट बचा है. ये लो. Yeah, और बाकी इसके कलर्स लाए थे, इसने सारे कलर्स भी घुमा दिए. 500-600 रुपए के सामान, स्टेशनरी और ये इसकी चीजें लेके दी थी, बिकॉज ये मोबाइल में बहुत ज्यादा मोबाइल में जो है ना वो बिजी होना शुरू हो गया है, जिद करता है, मांगता है कि फोन दो मुझे. तो
तो वो भी मैंने सोचा कि मैं इसको किताबें और कुछ इस तरह की चीजें ला कर देती हूँ जिसमें ये बिजी होगा। तो बिजी तो ये हो गया था, लेकिन इसने साथ साथ चीजें घुमाई भी, फेंकी भी, फाड़ी भी, और किताबें तो ये वैसे ही फाड़ देता है। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसका मैं क्या करूं। ठीक है, अभी फिलहाल पहले इसके डायपर वगैरह चेंज करेंगे, इसके कपड़े चेंज करेंगे, इसको उन्हें खिलाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ खाना खाना खाएंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। ठीक है, तो लेट्स वेट करो। चले जी, आह तो नहा चुका है, और नहा के इसने ये देखें गंद भी डाल दिया। और आहत, ये वापस रख के आओ, वापस रखो, ये उठाओ, ये छोटे से क्यों खोल रहे हो इसको? ये खाली है, जब हम मम्मी की तरफ जाते हैं तब लेके जाते हैं। इधर आओ, जल्दी से नीचे उतरो, ये अपने फीट उठाओ। ये जब मैं रिंग लाइट जलाती हूँ तब इसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये रिंग लाइट इसलिए जलाती हूँ कि ये थोड़ी सी रोशनी कमरे में सही हो जाए, अच्छी हो जाए। और ये देखो, ये स्क्रीन को छेड़ो तो मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। नहीं, उसको नहीं छेड़ना। चलो तो उतरो, आओ खाना खाने चले, नहाइए। पता ही नहीं चलता आप नहाए हो। हाथ के बाल के आगे पता ही नहीं चलता नहाए। आ दिखा, वेयर इज योर हेयर्स? हेयर्स हेयर्स? कॉल हेयर्स, वेयर आर यू? आहत, आहत, वेयर आर यू? आई आहत। ये किसने किया है? ये किसने किया है? आई आहत रे। चलो चलो, खाना खाएं, भूख लग रही है। चले जी, खाना खाते हैं। इसका तो चलता रहेगा, ये तो काम कोई भी जो है ना वो सही से करने रहता है। इस कमरे में आज ऐसे ही मतलब समझो कि काम दोबारा होगा। ठीक है, साथ साथ चीजें उठा रही हूँ। ये डस्टिंग वाला कपड़ा है, ये आहत की शर्ट है, यहाँ से बाकी कपड़े उतर उठ गए हैं। ये कपड़े जो है ये आहत ने अभी उतारे हैं, और ये धोने के लिए डालूंगी। इसको ऐसे में रख दिया। देखो वहां बैठ के हंस रहा है। ये देखो, घोड़ा घोड़ा हंस, हिज क्राइंग, हिज क्राइंग। चलो खाना खाने चले, चले खाना खाने। यस, हॉर्स इज क्राइंग, कह रहा मेरे पे बैठा ही नहीं आहत, कितने दिन हो गए। कह रहा आहत ने हॉर्स राइडिंग ही नहीं की कितने दिन से। हॉर्स राइडिंग, लेट्स गो हॉर्स राइडिंग। चलो चलो, ओ वाह, हॉर्स वाह, दगड़ 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 दगड़। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। ओ, गिर जाएगी, गिर जाएगी। ये देखना, घोड़े से नीचे उतर के ये कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है उसकी दुम पे। पीछे अगर टेकना हो ना, सपोर्ट ना हो, तो ये गिर जाए कब से। चलो ये तो अब मस्ती करता देगा, हम खाना खाते हैं। जल्दी आओ, इधर खाना खाए। आओ आओ, बिरयानी खाए इधर आओ। आहत, लाडो, हाँ इधर आओ ना, इधर आके देखो, ये देखो दुदू भी है इधर, ये रो ईट। जे जे तो इधर ही है, जे जे कहीं गया, इधर रहो, ये लो दुदू, पहले रोटी खाओ, खाओ लो मेरा बेटा को। हाँ मैं भी देखती हूँ, आओ ये लो, जल्दी से आओ, बाइट लो, बाइट, आओ
आहार। चले जी, मैं ना इतना ज्यादा सोई हूँ, इतना ज्यादा सोई हूँ। बिरयानी बनाई हुई थी मैंने कल, और वो मैंने खा ली थी दोपहर में, और उसके बाद मैं सो गई। और इतना सोई कि मैं अब उठी, और उठ के मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अब हम जा रहे हैं आहत के बेफाम के लिए, नादरा के ऑफिस, तो लेट्स गो, चलते घंटे करके चलते हैं। बाय बाय। स्कूल जा रहे हो? मम्मी यस यस मम्मी यस। चलो ये फोन पकड़ो मम्मी पकड़ो। आ ये क्या क्या कर रहे हो? पानी तो नहीं पीना मेरे बेटे ने? तो देखो, लुक एट मी बेबी। आहत यहाँ पे थी। आहत आहत इधर आ जाओ, इधर। यहाँ पर हम नाटक के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और बड़ी मुश्किल से आहत के बेफॉर्म अप्लाई हो गया, और रात के 12 बज गए हैं। और जो है कि नादरा का ऑफिस में ही हम बैठे हैं। अब देखे कि पहले तो रहे कि कल मिल जाएगा, तो कल इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहुत लंबी लाइन में लग के बेफॉर्म बनाया। अब्दुल्ला अभी भी वहाँ पे लाइन में लगे हुए, साइन वगैरह का कोई चक्कर है वो तो शुक्र है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, तो वो गाड़ियाँ जो है ना उन पे हमारा बन गया है, वरना अंदर तो बहुत लंबी लाइन है जी। हमें क्या पता था कि वहाँ से बन जाएगा? अगर हमें पता होता तो हम वहाँ से वहाँ से बनवा लेते। वहाँ से नाम भी इसका वो हो जाता। मुझे चलो वो जो इसका मैट्रिक और उसमें जाएगा ना वही जाएगा। नहीं, हम स्कूल में जो नाम लिखवाएंगे। चले जी, शुक्र है आहत का काम हो गया, आहत का पे फॉर्म बन गया। ये आहत भी यहाँ पे खेल रहा है अभी, और जो है अब अब्दुल्ला जो है वो अपना बर्गर शर्गर ले रहे हैं, और वो बर्गर शर्गर लेंगे फिर हम घर जाएंगे, और घर जाके सो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इतना रश था ना वहां पर नादरा के ऑफिस में, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा रश था। फिर भी हम वहां पर जो है रहे। 3 घंटे हमें लग गए, 1 बज रहा है अभी रात का, ना खाया है ना पिया है ना अंदर कोई चीज जाने भी नहीं देते, ना बिस्किट कुछ नहीं। फिर भी चलो, ये मेरे बेटे का काम हो गया। आहत इधर आओ, अंदर रोड पे नहीं जाओ, अंदर आओ, इधर आओ मम्मा पास। चलो जी, वीडियो पॉइंट करते हैं, ये रोड पे ना चला जाए। ठीक है आहत, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है, अपना अपने रहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।